मैं शेख रऊफ मुंबई पब्लिक उर्दू स्कूल की जानिब से कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी टीचरों का तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा और शिक्षक विभाग का भी शुक्रगुजार करूँगा और प्रिंसिपलों का भी और सभी ऑनलाइन जितनी क्लासेस होती थी सभी का शुक्रगुजार करूँगा और इत्तेजा ये करता हूँ सभी से कि सभी लोग अब मुंबई पब्लिक उर्दू स्कूल में सभी अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, इसलिए कि सभी टीचर्स बहुत से ही मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत है हर टीचर्स अपनी तरफ से और इस स्कूल में सभी बच्चों को बैग्स बुक्स और शूज़ सॉक्स यहाँ तक कि आज की तारीख में चावल दाल चना इस तरह की आम चीज़ें मुहैया होती है और तहे दिल से लोग अपने दिलों से मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई ये समझता है कि मुंबई पब्लिक उर्दू स्कूल में मेहनत नहीं होती है। मुंबई पब्लिक स्कूल में मेहनत होती है, लेकिन हम हमारे बच्चों को भी ही तवज्जा दें। हमने ऑनलाइन इस टाइम में ऑनलाइन देख के हम लोगों ने इस तरह महसूस किया कि टीचर्स रात हो 12 बजे हो 1 बजे हो अगर हमने मैसेज डाला उसका रिप्लाई हमें मिलेगा और हमें क्या नहीं है हमारे बच्चों में क्या कमी है हमें, इसलिए काफ़ी बार बार ये लोग मीटिंग भी लेते थे और सभी लोग इस टीचर्स सभी टीचर्स इसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं और हमें भी इस बच्चों के पीछे तवज्जो देनी चाहिए कि हम बच्चों के पीछे किस तरह से तवज्जो दी जाए। बच्चों को ये नहीं कि आया स्कूल से और रख दिया बैग उसके बाद में कोई उससे तवज्जो नहीं है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि मुंबई पब्लिक उर्दू स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन कराएँ और हर चीज़ मुहैया होती है। हम आज इस तख्ते पे चल रहे हैं, हम इस पब्लिक एशन में चल रहे हैं कि हमें हर चीज़ों की ज़रूरत है और मुंबई पब्लिक स्कूल उर्दू स्कूल हमें ये सब चीज़ों से हमें ये देती है। स्कूल के बैग्स ड्रेस शूज सॉक्स और मास्क, यहाँ तक कि मास्क भी दिया गया है। कोई मास्क की चीज़ खाने का टिफ़िन पानी की बॉटल्स हर चीज़ें बच्चों को दी गई है। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते थे उनको इस तरह टीचर संभालते थे कि हमें मालूम है आज लॉकडाउन के बाद जब स्कूल चालू हुई तो हम लोगों ने छोटे बच्चों को स्कूल में भेजना चालू किया और उन्होंने उनको इस तरह संभाला कि हमें ये महसूस हुआ कि बहुत से टीचर्स